देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल आवाज करगिल। जस्टिस रिवो करो, रिवो करो, रिवो करो, रिवो करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिवो करो, रिवो करो, इक्वल वॉक, इक्वल वॉक, जस्टिस, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिवो करो, रिवो करो, रिवो करो, रिवो करो, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। सलाम सबको, आज हम यहाँ पे सब गेदर हुए हैं एसआरओ 202 को रिवोक होने के लिए। सबसे पहले मैं एसआरओ 202 क्या चीज है, लोगों को एसआरओ 202 के बारे में पहले पता नहीं, मैं इसके बारे में ब्रीफ अवेयरनेस दूंगा। एसआरओ 202 ऐसा रूल्स है जो आर्ट्स वर्ल्ड जनक स्टेट में 30/6/2015 को बीजेपी और पीडीपी के कोलिशन गवर्नमेंट में बनाया था। रिक्रूट जेके पीएससी, जेके एसएसबी और जेके डीएसएसआरबी के तहत, तो इस रूल में ऐसा बनाया हुआ है लोगों को जो रिक्रूटमेंट होता है उनको 5 साल तक प्रोबेशन पीरियड है, और प्रोबेशन पीरियड में ना हमें ना एचआरए मिलता है, ना डीए मिलता है, ना अलाउंस, सारा अलाउंस हमें पूरा बैन है, सिर्फ हमें बेसिक पे पे ये चलता है एसआरओ 202। लोग सोचता है कि एसआरओ 202, कोई सोचता है कि ये एसआरओ 43 है, ये एसआरओ 43 नहीं है, एसआरओ 202 बिल्कुल अलग रूल है, ये हमारे जो एंटी यूथ, एक एंटी यूथ पॉलिसी है। तो हम इसके बारे में ब्रीफ ये क्या चीज़ है ये बोलूँगा। इसमें ना हमें इक्वल पे, हमें जो जितना इक्वल पे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2015 से पहले जितना भी रिक्रूट हुआ है और जो 2015 से बाद में हुआ और उनके बीच में हमें पूरा पे का फर्क, उनको फुल मिलता है, हमें सिर्फ खाली बेसिक पे ही पे हमें 5 साल मतलब निकल, 5 साल तक कुछ भी नहीं मिलता है अलाउंस। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन को, एमपी साहब से, सीसी करगिल सीसी, ले सीसी सबको हम ये रिक्वेस्ट, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द रियो कर दिया जाए। तो सबसे पहले और एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 के बाद हम जिनके स्टेट से बिल्कुल अलग हुआ है, यूटी लद्दाख यूटी हुआ है, तो जो नॉर्म्स है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है जो जेएनके स्टेट में था वो इसमें अभी तक लागू क्यों है, वो उसको मतलब अगर सब मतलब रूल्स को यहाँ पे लागू नहीं है तो ये जो एसआरओ 202 इसमें लागू क्यों है, हम ये बोल रहे हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द इस एसआरओ 202 को रियोक कर दिया जाए। फिर ये है जो एसआरओ 43 का केस है, जो एसआरओ 43 जो कोई अपना पेरेंट्स कोई जॉब में है वो गुजर जाते हैं, उनको वो आए कि उनको एसआरओ 43 मिल जाता है, तो उनको मिलने के बाद उनके लिए कोई एसआरओ 202 नहीं है, उनको फुल पे मिलता है। तो हम भी इंटरव्यू दे के आया, रिटर्न पास करके आया, सब कुछ करके आया, तब भी हमें इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। जैसे कि हाल ये ऑफिस में जब हम जूनियर असिस्टेंट सिलेक्ट होकर आया था तो हमारा ऑफिस में ऐसा क्लास 4 एम्प्लॉय जो हाल ही में प्रमोशन हुआ है, अभी उनका पे है पूरा फुल 45,000, हमें बस बराबर है जूनियर असिस्टेंट, हम पूरा इंटरव्यू रिटर्न सब पास करके आइए, मगर हमें पे बस वही बेसिक पे है, हम 5 साल मतलब गुजारा करना है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसको रियोक कर दीजिए, थैंक यू। इससे पहले कि आप लोगों ने क्या इंश्योरेंस मिला, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऑल लद्दाख हमारा जो ऑल लद्दाख एसआरओ 202 एम्प्लॉय रिप्रेजेंट ले में है, तो हमारे और लोग ने पूरा एलजी को मेमोरेंडम पेश किया है, सीसी को पेश किया है, सबको दिया है। अभी वो फाइल एलजी से एडवाइजर से कमिश्नर से, कमिश्नर सेक्रेटरी से, अभी जेडी में फाइल, फाइनेंस से जेडी में फंसा हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि इसको है ना जल्द से जल्द हटाया दिया जाए, क्योंकि ये हम ये जो यूटी अलग हुआ है तो इसमें जेएनके का रूल्स लागू नहीं होना चाहिए। देश के इंडिया के इंडिया कंट्री में स्टेट बोलो, यूटी बोलो, डिस्ट्रिक्ट बोलो, ऐसा जो रूल्स, ऐसा जो कानून कहीं भी ये नहीं है, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं है, ये सिर्फ है कि यूटी लद्दाख और जेएनके स्टेट में है।
तो हम बोल रहे जो जो सबको मिल रहा है सेंट्रल, अभी तो हम सेंट्रल हुआ, सेंट्रल में भी प्रोविजन पीरियड होता है मगर अलाउंस पूरी बराबर दिया जाता है, वहाँ पे भी सिर्फ प्रोविजन पीरियड होता है वहाँ पे 2 साल के होता है। इसलिए तो हम भी वही जो दूसरा जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट इम्प्लॉयज है वो हम भी कर रहे हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह बराबर हक मिलना चाहिए। जब तक हम नहीं हटेगा, जब तक ये SRO 202 रियोग नहीं होगा तब तक हम इस पे स्टैंड रहेगा। मेरे साथी वहाँ तक ने आपको SRO 202 के बारे में ब्रीफली आपको बताया कि SRO 202 एक एंटी यूथ पॉलिसी को थोपा गया है J&K में, जो हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि हम हमारे श्री RK माथुर साहब को यही रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि हमारे ये जो SRO 202 को जल्द अज जल्द रिवोक किया जाए और हमारे इक्वल पे मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट में जो हमारे साथी काम करते हैं हमारे साथ उनको पूरा पे मिल जाता है, हमें आधा बेसिक पे ही मिल जाता है। हम यही कहना चाहता हूं कि हमारे जब J&K गवर्नमेंट हमारे MLA का जब सैलरी को इंक्रीज किया, हमारे उनका 1.5 लाख बनाया, उनको पेंशन का स्कीम बनाया, हमारे जो स्टूडेंट्स 15-20 साल 30 साल तक 35 साल तक पढ़ पढ़ के जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग जाता है उनको 5 साल तो प्रोबेशनरी पीरियड पे काम करना पड़ता है बेसिक पे, आधा उम्र उनको 5 साल में निकल जाते हैं, किसी का 40 पे सिलेक्शन हो जाते हैं 45 इसी में निकल जाते हैं, 15 साल उनके रिटायरमेंट के लिए रह जाते हैं, ना कोई ना कि उनको NPS में उनको डाल जाता है, ना कि उनको NPS में कोई उनका बेनिफिट कुछ नहीं मिल जाता है, उनका पूरे टोटली उनका फ्यूचर पूरा डार्क हो जाता है। हम यही कहना चाहता हूँ कि हमारे LG साहब को और MP साहब को जल्द अज जल्द इस SRO 202 को रिवोक किया जाए और हम सबको इंसाफ मिल जाए। Justice! Revoke karo! Nahi chalegi! Revoke karo! Equal work! Justice! Justice! Justice!